लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के जाने के बाद उनके बेटे चिराग पासवान से उनका बंगला, उनका पार्टी और जो चुनाव चिन्ह था सब कुछ छीन चुका है। लेकिन एक बार फिर से चिराग पासवान लगातार जोर शोर से अपनी नई रणनीतियों में लग गए हैं। पशुपति पारस एक तरफ जहां चिराग पासवान को लेकर लगातार बयान दे रहे थे, वहीं उनके भाई प्रिंस राज ने भी चिराग पासवान पर तंज कसा है और कहा है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे चिराग पासवान को सबका पैर छूना पड़ेगा। चिराग पासवान को लेकर उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि जो दलितों की बात करेगा वही बिहार में दलित का नेता रहेगा। एक बार फिर से चिराग पासवान जिन समीकरण और जिस हिसाब से पार्टी की रणनीति बना रहे हैं, कहीं ना कहीं पशुपति पारस ने एक बार फिर से चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को भी हैक करने का प्रयास किया है। आपको बता दें कि आज अंबेडकर जयंती के अवसर पर अपने पार्टी कार्यालय में केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस मौजूद थे और उन्होंने केंद्र सरकार और बिहार सरकार से कई मांगे रखी हैं। हाजीपुर में रामविलास पासवान की मूर्ति लगाने को लेकर, साथ ही पटना में भी और दिल्ली में भी कई तरह के उनके यादों को लेकर, जो उनकी यादें थी जो उनके 12 नंबर बंगले में लगाई गई थी वो सारी चीज़ें लगाने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने जिस तरीके से सब कुछ करना चाहते थे अब पशुपति पारस ने उसको हैक कर लिया है। सुनिए क्या कुछ कर रहे हैं पशुपति पारस। निश्चित रूप से हाजीपुर में एक बड़ा प्रतिमा लगना चाहिए, बड़ा मूर्ति लगना चाहिए, भारत बिहार सरकार के द्वारा मूर्ति लगना चाहिए। उन्होंने आश्वासन भी दिया है मैं मूर्ति लगाऊंगा। दूसरा तीसरा मेरा मांग है कि 5 जुलाई को स्वर्गीय पासवान जी का जन्मदिन है, 5 जुलाई को उनका जन्मदिन है। इसलिए मैं बिहार के मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूँ कि 5 जुलाई को उनके जन्मदिन पर, जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन पर सरकारी समारोह मनाया जाता है, उसी तरह से स्वर्गीय पासवान जी के नाम पर 5 जुलाई को सरकारी समारोह मनाया जाए। और एक लास्ट मेरा डिमांड है माननीय मुख्यमंत्री जी से, जैसे पूरे देश में अभी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिल्ली में बहुत प्रसंग्रहालय बनाया गया है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से, लीम लेकिन होटल के बगल में बहुत प्रसंग्रहालय बनाया गया है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से, और जहां उनका जन्म हुआ था मऊ में वहां भी उनके नाम से बहुत बड़ा समाधि बनाया गया है, बहुत बड़ा मकान बनाया गया है, और जहां उनकी शिक्षा हुई थी लंदन में वहां भी उनके नाम से स्मारक बनाया गया है। तो मेरा बिहार सरकार के मुख्यमंत्री से मेरा आग्रह है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम से पटना के राजधानी में, पटना में भी निश्चित रूप से राष्ट्रीय समाहरणालय बनना चाहिए, राष्ट्रीय संग्रहालय बनना चाहिए, और दिल्ली के तरफ पर बनना चाहिए जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बनाया गया है। तो ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और पासवान जी के पूरे देश में आज जन जन के नेता उठे, आज हम लोग के बीच में नहीं है। इसलिए मैं स्वर्गीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, स्वर्गीय पासवान जी और हमारे छोटे भाई स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी को अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816700। धन्यवाद।